सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना है? हाँ, सर पे चोट लगने की वजह से दिमाग की नसों पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? तकरीबन 50,000 तक। 50,000 रुपए? असल में खर्चा तो ज्यादा होगा, लेकिन आपके हालात देखकर मैंने हॉस्पिटल का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, जितनी जल्दी संभव हो आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर आप देर करेंगे तो बच्ची की जान जा सकती है, इसीलिए जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। पचास हजार रुपए कहां से आएंगे? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? हे हनुमान, तुम्हारे भक्तों के दिए हुए दान से मैं अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं। पाप और पुण्य का फर्क ये छोटी बच्ची नहीं जानती है। अपने मां बाप को वैसे भी ये खो चुकी है। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना अन्याय, उसकी ऐसी हालत देखकर आंसू बहाने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं स्वामी? पैसे लाने की ताकत मुझ में नहीं है स्वामी। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, आपकी हालत हम समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग कौन हो बेटा? हम मारुति सेवा संस्था से आए हैं पंडित जी। मुसीबत में हमें बचाने वाले हम उसी स्वामी के भक्त हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया है। आपको हमारी संस्था के द्वारा 50,000 देने की जिम्मेदारी हमारी।
क्या ही सच है? आप लोग जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो क्या बेटा? इसमें झूठ बोलने जैसे क्या बात है? स्वामी के भक्त की जान बचाने से बड़ा पुण्य आखिर और क्या हो सकता है? हमारी संस्था मदद करने के लिए ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे हनुमान स्वामी ने मेरे दुख को समझा, इसलिए आपके द्वारा मुझे मदद भेजी है उन्होंने। अब आपको बच्ची की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शांति से रहिए। आपको पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? बहुत खुशी की बात है तो बेटा, बहुत खुशी की बात है। जय श्री हनुमान। बच्ची को उठा के ले जाने का यही एक मौका है। अगर हम पंडित को पैसा दे देंगे तो वो हम पर भरोसा कर लेगा, बच्ची का ऑपरेशन भी हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। उसके बाद हम बच्ची को यहां से उठा ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 50,000 का क्या करें? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बच्ची को अगर हम ले गए तो उस महत्वपूर्ण मूर्ति को हम कैसे भी करके हासिल कर सकते हैं। उसके सामने तो 50,000 कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो इसके बारे में सोचते रह जाना एकदम बेकार है। पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बच्ची को ले जाने का प्लान आसानी से बना सकते हैं। श्री राम जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल डू माय लेवल बेस्ट, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। ओके। अंजना, अंजना बेटी, अंजना अंजना अंजना, आखिर तुम्हें क्या हुआ अंजना? बेटी आप यहाँ? पंडित जी, बच्ची को क्या हुआ है? सर के ऊपर पट्टी कैसी? क्या बताऊं बेटी, कल रात को पता नहीं क्या हुआ, इसकी पुकार सुनकर जब मैं दौड़कर बाहर आया तो इसके सिर पर चोट लगी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। अंजी उसके बगल में बैठा था। वैसे बेटी, आपको कैसे पता चला कि अंजना हॉस्पिटल में है? डॉक्टर से बात करके हम जा रहे थे, तभी अंजी बेटे के गले से
चैन लेकर भाग रहा था। बिना कारण के अंजी कभी कुछ नहीं करता है। उसी का पीछा करते करते अंजी के साथ हम यहाँ तक इस रूम में आ गए। हाँ, यही हुआ होगा। लो बेटी। पंडित जी, पैसों का इंतजाम हो गया? वो अगर आप 4-5 दिनों का समय देंगे तो मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। लक्ष्मी जी, आप यहां कैसे? आप इस बच्ची को जानती हैं क्या? हाँ जानती हूँ। वैसे 50,000 किस लिए? बच्ची के सर पे गहरी चोट लगी है, नसों पर असर हुआ है, ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 50,000 लगेंगे। बच्ची की जान को इतना बड़ा खतरा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पंडित जी? मुझे आपके बारे में सोचा ही नहीं बेटा। डॉक्टर साहब ने 50,000 के लिए बोला तो मैं बहुत घबरा गया था। आप जानते हैं ना कि हमें अंजलि से कितना लगाव है। मरी हुई हमारी बच्ची को इस प्यारी सी अंजलि में हम देखते हैं। हम इस बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब, वो पैसे मैं दूंगी आपको। ठीक है लक्ष्मी जी, जब आप कह रही हैं तो पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी, मैं जाकर जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। देवयानी, तुम 50,000 रुपए लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ अस्पताल में। यहाँ आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बेटी, तुम में जो मां का दिल है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा तो मत कहिए पंडित जी, कुछ बंधन पैसों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर अंजी ये चैन लेकर यहाँ पर ना आया होता तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। इस लॉकेट में बने हुए भगवान ने ही अंजी से ये काम करवाया है। बेटी, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली। भगवान इंसान के रूप में ही मदद करते हैं। हनुमान जी के रूप में ही तुम हमारी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ आए हो। अंजलि को देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। एक बच्ची का दर्द एक माँ के अलावा भला कौन जान सकता है।
देवयानी अब तक क्यों नहीं आई? पैसे लेकर आई हो क्या देवयानी? हाँ लाई हूँ। पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले पैसे जमा कर देते हैं। ठीक है चलो। ये पंडित किस बारे में बात कर रहा था? ये बच्ची अभी तक जिंदा है, मतलब देवयानी इसी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लाई है। अगर देवयानी को पता चल गया कि ये श्रीराम की बेटी है तो मैं तो गया। बाप रे,